वेलकम टू जेएम किचन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेएम किचन। आज हम बनाएंगे देसी घी। यहाँ पर फ्रेंड मैंने मक्खन पहले से ही निकाल लिया है। मक्खन बनाने की विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर 1 किलो मक्खन लिया है। अब हम मक्खन से बनाएंगे देसी घी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर गैस पर मैंने एक पैन कढ़ाई ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को हम गर्म कर लेंगे और जो हमने मक्खन लिया था उसे डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई इसलिए ली है ताकि हमारा जो घी है वो कढ़ाई में चिपके नहीं। नॉनस्टिक पैन में फ्रेंड्स हमारा घी चिपकेगा नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन का कढ़ाई यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने जो हमारा मक्खन था वो पूरा डाल दिया है। अब हम मक्खन को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं इसे चला रही हूँ। हम इसे चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें मक्खन को कंटिन्यू चलाना होगा ताकि हमारा जो मक्खन है वो कढ़ाई में चिपके नहीं। यहाँ पर मैं इसे चलाते हुए मेल्ट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो मक्खन है वो पूरा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वाइट मिल्क फॉर्म हो गया है। अब हमें इस वाइट मिल्क को तब तक के चलाना है तब तक कि हमारा जो वाइट मिल्क है वो पूरा क्लियर घी ना तैयार हो जाए। तब तक के हमें इसे पकाना है और बीच बीच में हमें इसे कंटिन्यू चलाना है ताकि हमारा घी जो है वो कढ़ाई की तले में चिपके नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो घी है वो बनना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको ऊपर ऊपर की जो मिल्क की लेयर है मतलब दूध की जो हमारी लेयर है उसे मैं सरका के दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं बीच में हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर आया है, ये हमारा घी बनना शुरू हो गया है। और इसमें जो बारीक बारीक सा रवा रवा सा दिख रहा है इसे हम मावा बोलते हैं। तो अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू चलाने की ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो आइए हम इसे चलाते हुए पूरा पका लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो घी है वो बनना स्टार्ट हो गया है। जो हमारी मिल्क की लेयर थी वो कम हो गई है और ट्रांसपेरेंट घी हमें दिखना शुरू हो गया है। इसी तरह हमें चलाते हुए इसे पका लेना है। फ्रेंड्स, देसी घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और घर का बनाया हुआ घी बहुत ही प्योर होता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो घी है वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया है, मीन्स यहाँ पर घी अलग हो गया है और जो मावा है वो अलग हो गया है। दोनों भी चीज़ें हमें अलग अलग दिखाई दे रही है। मावा यानी जो सफ़ेद सफ़ेद पार्ट इसमें बचा हुआ है उसे हम मावा बोलते हैं और बाकी का जो लिक्विड ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो घी है। तो हम घी को यहाँ पर थोड़ा और पका लेंगे। अभी हमारा जो घी है वो कच्चा है। अगर कच्चा घी हम अगर छान लेते हैं तो हमारा घी जल्दी ख़राब होने के चांसेस है। घी को थोड़ा ज़्यादा पका लेने से घी हमारा 1.5 से 2 महीने आराम से चलता है, इसीलिए मैं यहाँ पर घी को थोड़ा और पका लेती हूँ।
फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा थिक मिल्क था वो अब क्लियर घी दिखने लगा है। तो समझ लीजिए यहाँ हमारा जो घी है वो रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और घी को ठंडा होने देंगे। घी ठंडा होने के बाद इसे हम छलनी की सहायता से किसी कंटेनर में छान लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने घी को छान लिया है और एक डब्बे में निकाल लिया है। यहाँ हमारा जो घी है वो आप देख सकते हैं कितना प्योर और कितना अच्छा दिख रहा है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और घी निकालने की हमारी ये प्रोसेस आपको पसंद आई है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और ये जो मैंने बाउल में निकाला है ये मावा है, आप इसे किसी भी डिश में यूज़ कर सकती है। जैसे आप इसका मावा पेड़ा या मावा बर्फ़ी बना सकती है, इसी प्रकार आप भी घी निकालिए। और यहाँ करीबन 1.25 लीटर घी निकला है फ्रेंड्स 1 किलो मक्खन में, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।